तो है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज जो है ना सुबह उठती ऐसे तेज स्नोफॉल जा रही है, और जहाँ पर मैं आया हूँ तो वहाँ पर अभी गाड़ी भी मेरे पास आल्टो ही है, लेकिन यह कि आल्टो टर्बो है तो थोड़ा सा जो है तेज़ में आया हूँ, लेकिन अभी वापसी में थोड़ा सा जो है ना मुश्किल होगा। तो फ़िलहाल आप लोग को नज़र आ ही रहा होगा, लेकिन बर्फ़बारी इस वक्त जो है ना बहुत तेज़ हो रही है, और गाड़ी जो है मैंने नीचे कर दी की है, लेकिन वापसी में देखते हैं क्या होता है। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ऑलमोस्ट गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो, और नीचे भी तकरीबन 1 फुट तक जो है ना 1 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी है। लिटरली गाइज, मुझे आज काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि लाइव स्नोफॉल जो है ना देखने को मिली है, और हम आए भी थे लाइव स्नोफॉल देखने, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और बस एक ये टेंशन है कि गाड़ी जो है ना स्लिप ना हो, जाने में फिर थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम होती है। गाइस, ये स्वात में जो है ना एक छोटा सा गांव है, और पूरा जो है ना स्नो से फुल ढक चुका है। ये देखें, सारे घर जो है ना वाइट हो चुके हैं। वो देखें, ये नीचे जो है ना पार्किंग जगह है। गाइस, ये देखें, अभी स्नोफॉल जो है ना काफ़ी तेज़ हो गई है, और मुझे लग रहा है कि वापसी में जो है ना गाड़ी को चैन लगवाने होंगे। होटल में हमने थोड़ा सा स्टे किया था, अभी ये भी फुल जो है ना स्नो से कवर हो गया है, और अभी और भी पड़ने वाली है, तो इसलिए सबसे पहले जो है ना यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाकर स्नो से, ताकि हमारे टायर जो है ना वो स्लिप ना हो गाड़ी के। उस रहा था गाइस, फिलहाल हम वापस जाने लगे हैं, स्नोफॉल थोड़े से ज़्यादा हो गई है। किसी भी यार जो होना था वो तो हो गया, लेकिन फ़िलहाल नीचे जो है ना चाय पीना भी ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बल्कि लाजमी है। अभी चाय भी पीना है, थोड़ा सा उसके साथ कुछ खा भी लेंगे, क्योंकि भूख भी लगी, और मौसम भी ऐसा मौसम है कि ज़बरदस्त मौसम है। यहाँ से इतनी बेस्ट व्यू नज़र आई है ना, मैं दिल चाह रहा है, ये देखें पूरा जो है ना पहाड़ जो है ना स्नो से कवर हो गए। गाइस, गाड़ियाँ सारे जो है ना स्टक हो गई है, मैंने तो अपनी गाड़ी नीचे खड़ी की है, लेकिन बाकी जितनी भी गाड़ी है ना तो सारी स्टक हो गए हैं, पता नहीं कैसे निकलना है यहाँ से। अब काफ़ी मज़ा आ रहा है, यहाँ पर स्नो पड़ रही है लाइव, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वॉक भी जा रहा हूँ, और व्यू भी काफ़ी प्यारी है, तो मज़ा काफ़ी मज़ा आ रहा है आज। फाइनली गाइस, बर्फ़ जो है ना थोड़ी सी रुक गई है, और अभी मैं आपको अपनी गाड़ी दिखा देता हूँ कितनी बर्फ़ पड़ी होगी उसके ऊपर, क्योंकि 4-5 घंटे से जो है ना बर्फ़ पड़ रही थी, और मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ के गांव वाले जो है ना कितनी मुश्किल से रह रहे होंगे। ये देखे, अभी काफ़ी जो है ना गाड़ियाँ स्लिप हो रही है। ये देखे गाइस, ये भी अभी फंस गई है गाड़ी। थोड़ा जोर लगाओ, जोर जोर लगाओ। हाँ, शाबाश शाबाश, आराम से आराम से। ये जो है गाइस पूरी तरह से स्टक हो चुकी है, और ये हमारी गाड़ी, मैंने तो कहा कि फुल स्नो से जो है ना भरा होगा, लेकिन नहीं, इसके ऊपर जो है ना स्नो पड़ी है, और यहाँ पर बाकी सही है। गाइस, यहाँ से जो है ना गाड़ी काफ़ी स्लिप हो रही है, और जो जगह थोड़ी सी ख़तरनाक थी तो वहाँ से तो निकल आए हैं। अब देखिए, बिल्कुल फर्स्ट गियर में जा रहा हूँ, रोड पूरा कवर है स्नो से। अब 1-2 किलोमीटर आगे आकर ना थोड़ा सा जो है ना रोड साफ हो गया है, लेकिन स्पीड ये देखें ना, अभी 10 में ही जा रहे हैं, आगे काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी है। तो गाइस, फ़िलहाल हम बर्फ़ वाली जगह से जो है बाहर निकल आए हैं, लेकिन गाड़ी जो है ना पता नहीं कोई फॉल्ट आ गया इसमें, एक्सेलरेशन बिल्कुल ले ही नहीं रही, और बाहर से भी मैंने देखा नहीं है। अब जाके देखता हूँ कि बाहर पता नहीं इसका क्या हाल हो गया होगा। गाइस, ये देखें गाड़ी का क्या हाल हो गया, देखिए पूरा जो है ना बर्फ़ ने वाइट कर दिया, फ्रंट सी भी, ये वाला साइड भी, ये देखें, अभी इसको सर्विस भी करना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है इसमें कोई फॉल्ट भी आया है।
गाइस गाड़ी जो है ना बार बार बंद हो रही है। अभी फिर से जो है ना मैं यहाँ पर खड़ा हूँ साइड पे। अभी सबसे पहले जो है ना हमने मैकेनिक के पास जाना होगा। गाइस फिलहाल हम मैकेनिक के पास आए हैं और इसमें थोड़ा सा जो है मिसिंग जो है कर रहा है एक्सेलरेशन में। तो अभी ये कह रहा है कि 10-15 मिनट का काम है, तो इंशाल्लाह 10-15 मिनट तक हो जाएगा। तो गाइस फिलहाल हम यहाँ पर आएँ, एक्सेलरेशन में मसला था। गाड़ी को थोड़ा सा जो है ना स्कैन किया जा रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या इशू है इसमें। तो गाइस आज मेरे लिए काफ़ी टफ डे था क्योंकि गाड़ी भी ख़राब हो गई है और दूसरी बात यह है कि स्नोफॉल में जो है ना सर्दी से बुरा हाल हो गए और आज काफ़ी थका हुआ हूँ। ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।